तो भाई क्या हाल है सभी के। आप ये चेहरा बहुत दिनों बाद देख रहे होगे और मैं कैमरे में आज नहीं देख सकता, मैं आज इधर ही देख के बात करूँगा आपने सामने। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपने सभी ने देखा जो हैंड कैम में हैक दिख रहा है। हैक तो दिख ही रहा है बट मैं इसमें उसे दोषी नहीं मानूंगा जो इस बंदे ने हैक यूज़ करा, क्योंकि 90% ऑफ द टीम्स हैक यूज़ कर रही है आज के टाइम पे। मैं इस सिनेरियो में उस ऑर्गेनाइजेशन को दोषी मानूंगा जिसने ये POV लिया, जिसने ये हैंड कैम लिया और उसे फिर भी चेक तक नहीं किया। ये वो हैंड कैम POV है। ऐसे जने कितनी सारी टीम्स जिन्होंने सेम हैंड कैम दिया होगा और मैनेजमेंट ने चेक तक नहीं किया होगा, क्योंकि पता क्या होता है इनको ये आइडिया कहाँ से आया। एक टीम करती है हैक यूज, एक टीम ने किया होगा कि हाँ भाई हमने तो ऐसे ही दे दिया और फिर उस टीम वालों ने दूसरी टीम वालों को बताया होगा, तो ये चीज ऐसे फैलती है। तो ऐसे तुम सोचो कितनी और टीम्स होंगी जो बिना पकड़े गए ऑफिशियल में चले गए और खेल लिए। जैस हुआ था भाई, BGIS में भी कितनी सारी ऐसी टीम्स होंगी जो बिना पकड़े गए यही सेम चीज करके आगे चले गए। कितने लेजिट प्लेयर्स का करियर इन्होंने खाया। बेसिकली आज मैं इस वीडियो में ना नॉर्डविन के ऊपर ही वीडियो है, ये पूरी नॉर्डविन के ऊपर, प्लेयर्स का मैं कोई दोस्त नहीं मानता इसमें भाई। नॉर्डविन गेमिंग की मैनेजमेंट सबसे रद्दड़ मैनेजमेंट है, मैं ये बोलता हूँ भाई, सबसे रद्दड़ मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वो नॉर्डविन गेमिंग की मैनेजमेंट है। लेजिट प्लेयर का स्लॉट ये खाते हैं, पार्शनिटी ये करते हैं, पॉलिटिक्स इनकी रग रग में बसी हुई है। ये आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से है। ये मेरी तीसरी वीडियो है नॉर्डविन गेमिंग के ऊपर। जब भी इनका टूर्नामेंट आता है, हर टूर्नामेंट में ये अंडरडॉग्स का स्लॉट खाते हैं और T1 टीम्स को प्रेफर करते हैं अंडरडॉग्स की जगह। इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ नंबर, इनको नंबर के सिवाय कुछ नहीं दिखता मेरे दोस्त, इनको नंबर के सिवाय किसी के करियर से कुछ भी लेना देना नहीं है। और मैं आज इस वीडियो में ये चीज़ प्रूफ करने वाला हूँ। अब हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। आज से पहले जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था नॉर्डविन गेमिंग का, तो उस टाइम पे बंदों को लेट IDP दिया गया। मतलब जैसे मैच है 420 का तो IDP आ रहा है 430 का, बंदे ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें मैचेस स्टार्टेड हो गया, मैनेजमेंट से वो रिप्लाई मांग रहे हैं, बोले कि क्यों स्टार्ट कर दिया तुमने, हम ज्वाइन नहीं करे, तो उन्हें सिंपली ब्लॉक कर दिया गया हर जगह से। ठीक है, इन्होंने इस बीच में एक दो अच्छे काम किए जो कि वे टीम्स को बैन दिया गया जो भी हैकर्स थे। खैर उनमें भी इन्होंने एक दो टीम ऐसी घसीट दी जिनको एक प्रॉपर रीज़न भी नहीं मिला बैन होने का। अच्छी बात है हैकर्स को बैन किया, बट लेजिट प्लेयर्स का भी उनमें स्लॉट गया दो तीन का। अब आप ये भी कह सकते हो, अब के सिनेरियो से तो मुझे ये लग रहा है कि भाई कहीं वो स्लॉट T1 टीम्स को ही नहीं गए हो। अब आते हैं रेड डेविल ईस्पोर्ट्स, क्रैक्टिक ईस्पोर्ट्स। इसमें रेड डेविल टीम हैकर है ये आपको पता है, ये मुझे भी पता है। ठीक, अब रेड डेविल को अभी तक बैन नहीं दिया गया। क्यों बैन नहीं दिया गया भाई? BGIS में उसकी ऐसी ऐसी क्लिप्स हैं जो देख के बंदा खुद बोल दे कि भाई ये तो हैकर है, ये मिनी 14 की क्लिप है, ये कहीं से कहीं तक भी लेजिट है क्या दोस्त? ये कहीं से कहीं तक भी लेजिट है तो ऐसी टीम को सबसे बड़ी बात खेलने क्यों दिया जाए? अब मैं इसके पीछे की तुम्हें पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्यों खेलने दिया जा रहे हैं। ये करती है टीम्स अंडरडॉग्स को भाग, जैसी इसमें T1 टीम्स मिक्स करती है। अब इन्हें क्या चाहिए होता है? इन्हें चाहिए होता है स्लॉट्स। जैसे अगर गॉड लाइक क्वालिफाई नहीं हो पाई या फिर कोई भी बड़ी टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई जो कि इनके फेवर में, जिनसे पैसा खा सकते हैं फिर जो भी, तो ये क्या करते हैं, इनको वहां तक जाने देते हैं। वहां तक जाने में किसका स्लॉट जा रहा है? अंडरडॉग्स का स्लॉट जा रहा है। वहां तक गए, वहाँ तक जाने के बाद अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे ही इनकी फैन फेवरेट टीम बाहर हुई जिसके फॉलोअर्स है या फिर जो टीम इन्हें अच्छे पैसे दे सकती है, फॉलोअर्स दे सकती है, ये लोग क्या करेंगे, उस टीम को उसकी जगह पे भेज देंगे और उस जो अभी तक यहाँ तक खेल के आई या तो उसे बैन दे देंगे या फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इस चीज़ के पीछे मैं बहुत प्यारा रही, तो पूरे टूर्नामेंट में उन्हें बैन नहीं दिया गया। एंड लास्ट में जब इनको कोई और टीम को या फिर अपनी फैन फेवरेट टीम को या फिर इन टीम से इनका फायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है या फिर पैसे मिल सकते हैं ये कह सकते हो, फिर वो उस टीम को बैन कर देता है। तो ये एक स्लॉट दो स्लॉट अपनी फैन फेवरेट या फिर जिनसे पैसे ले सकते हैं उन टीम के लिए बचा के रखते हैं। उसमें स्लॉट किसका जाता है? जो वो हैकर्स मारते हैं वो स्लॉट जाता है तुम लोगों का, लेजिट प्लेयर्स का स्लॉट वो जाता है और तुम्हारे लेजिट प्लेयर्स के स्लॉट पे खेलती है T1 टीम या फिर कोई फैन फेवरेट टीम या फिर कोई पैसा देने वाली टीम। ये होती है स्ट्रेटजी जो कि नॉर्डविन हमेशा से फॉलो करता हुआ है और जो भी 90% ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, क्योंकि नंबर सबको चाहिए। टूर्नामेंट वो क्यों करा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नंबर की वजह से। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे करियर सेट करने के लिए टूर्नामेंट हो रहा है, तुम्हें टीम मिल जाएगी या फिर तुम लैन खेल लोगे इसलिए टूर्नामेंट हो रहा है? घंटा नहीं, सबको यहाँ पे अपने प्रॉफिट से मतलब होता है दोस्त। तो अपन चलते हैं जो हैंड कैम निकला CRC का,
भाई मैनेजमेंट की कितनी बड़ी गलती है यहाँ पे। भाई क्या मैनेजमेंट है, उनको ये तक नहीं पता जो हैंड कैम आया उसमें ESP खुल रहा है, उसमें हैक खुल रहा है। और तो और नॉर्डविन की मैनेजमेंट, भाई नॉर्डविन की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि प्लेयर्स धक्का लगा रहे थे भाई, अपनी गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। चलो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, अगर मैं होता तो मैं भी लगा देता धक्का। अरे परेशान हो जाओगे गर्मी में सभी, एक मिनट का काम है, बस एक मिनट में स्टार्ट हो जाए, थोड़ी गुड़ान दे आगे डस्ट। मैं तो हूँ रेडी, एडमिन भाई भी आ गए धक्का मारने। क्या मारे सब नवाब की तरह बैठे, सब नवाब की तरह बैठे, बस हम चार को जाना है। चलो गाइस बात आओ ना, लेट्स गो। मैनेजमेंट सोचो भाई, धक्का लगा रहे हैं। और जो टूर्नामेंट हो रहा है ना उसमें तो सर्वर फ्रीज हो रहा है, दो मैचेस बार बार रीमैच करे जा रहे हैं। तुम अंदाजा लगा सकते हो भाई, मैं नॉर्डविन वालों भाई अच्छी मैनेजमेंट हायर कर लो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, अच्छी मैनेजमेंट। एटलीस्ट लेजिट प्लेयर्स का स्लॉट तो नहीं जाएगा, मतलब भाई लॉन्डे इतने मेहनत करते हैं ठीक है, तुम अंडरडॉग्स का स्लॉट खा रहे हो, उन्हें रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उन्हें बिना किसी रीज़न के बैन दे रहे हो, और ऐसे CRC जैसे हैकर्स को तुम लैन में खिला रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ नॉर्डविन गेमिंग इस पर रिप्लाई करे और इनको परमानेंट बैन दिया जाए अपनी ऑर्ग से, और अन्य ऑर्ग भी इन्हें बैन दे। बस मेरा वीडियो बनाने का इतना सा ही मोटिव था। और कोई भी अंडरडॉग खेलता है तो भाई हैक यूज़ मतलब हैक यूज़ मत करो ठीक है, बाकी लेजिट खेलो, लेजिट में रखा गया बट लेजिट ही खेलो, किस तरह हो 4-5 साल कभी तो नंबर आएगा। तो ये था आज की वीडियो में भाई, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, तब तक के लिए क्या भाई तुम्हें रखना ही पड़ेगा जिंदगी भर, मैं तो रखूंगा नहीं तुम्हारा ख्याल। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, जय श्री राम सभी को।